अरे बाइक है, बाइक ये बाइक है। देखो क्या हालत पूरी खराब हो रही है। ये वाली कलाई इतनी दर्द कर रही है बहुत ज्यादा से मुड़ाने में भी। केमिकल मिले रहता है। अच्छा वहाँ केमिकल मिला रहता है बाजार में, यहाँ नहीं मिला। और साथ में टेस्ट बदलने के लिए माल्टा, तो ये बड़ा मीठा होगा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, पहला, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइस सुबह के बजे 8:30 और देखो घर पे इतनी तेज वाली धूप लग गई है। तो मेरा सबसे पहला वाला काम होता है अपनी भैंस को अंदर बांधने का। इसको हम लोग सुबह यहाँ से बांध देते हैं और सुबह के 8:30 बजे से पता है इसको मक्खियाँ लगने लग जाती हैं। ये बहुत सारी मक्खियाँ लगी है। इसको सबसे पहले हम लोग गोठ मानेंगे। चाचा जी और दादा जा रहे हैं मीटिंग में, आज स्कूल में जा रहे हैं दोनों बच्चे के। चाचा जा रहे हैं होशियार के लिए और दादा जा रहे हैं डिग्गू के लिए। गाइस जैसे जैसे गर्मी के दिन बढ़ते जा रहे हैं तो गांव पे भी धूप बहुत तेज होने लगी है। सुबह के 8:30 ही हो रहे हैं और भैंस को अंदर बांधना जरूरी है क्योंकि जैसे जैसे धूप बढ़ रही है ना मक्खियाँ इतना ज़्यादा परेशान करती हैं, बहुत ज़्यादा। अभी यहाँ पर जब मारा हूँ ना आँखें पूरी बंद हो जा रही, धूप से पूरा फेस चमक रहा है, बहुत ही तेज ऐसा लग रहा है कि दिन होने वाला है। तो अब तो पहाड़ों में ही ऐसा हाल हो गया। तो इसका रीज़न ये है ना, पहाड़ों में बहुत ज़्यादा आग लग रही है, इसकी वजह से पहाड़ों में भी गर्मी बढ़ने लग गई। गाइस यहाँ पे हमारे गेहूँ सूख रहे हैं, आपको खेत पे पूरे फैले हुए गेहूँ दिख रहे होंगे। कुछ गेहूँ हमारे यहाँ पे सूख रहे हैं, कुछ यहाँ पर, और कुछ गेहूँ यहाँ पे भी है कुछ पंचायत की छत में, और जो हमारे बचे हुए गेहूँ वो नीचे वाले खेत में सूख रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग गेहूँ की मड़ाई करने वाले हैं। तो ये गाइस कल मम्मी और पापा ने मिल के खाऊ बना दिया, तो इसकी लिपाई पुताई कर रखी है। ये देख लो भाई, गोबर की और मिट्टी से इसकी पुताई कर रखी है। यहाँ बहुत सारी चींटियाँ भी आ रही हैं पता नहीं कैसे। और यहाँ पे हम लोग करेंगे गेहूँ की मड़ाई। तो यहाँ पे मेरे पापा ने टेस्ट भी कर रखा है, ये देखो ऐसे करके मारना है भाई जोर जोर से। यहाँ पे हम लोग किस तरीके से मड़ाई करेंगे वो आपको आगे देखने को मिलेगा। और जो भी इसका नल होगा ना वो हम लोग यहाँ अंदर, तो यहाँ पे हम गेहूँ की मड़ाई करेंगे। पापा ने क्या रखा है देखो, पटालियाँ रखी हुई हैं 1, 2, 3 यहाँ पे, और जिससे कि आगे ना खिसकें। 2 पटालियाँ यहाँ रखी हुई हैं और इसके बेस के लिए ये लकड़ी रखी हुई है। यहाँ पर मड़ाई होगी और दाने भी आसपास जाएंगे नहीं, पीछे तिरपाल लगा हुआ है जिससे कि दाने इसी में आएंगे। और ये रहा पंखा, इससे सफाई करेंगे तो ये पूरा काम चलेगा। और आजकल आपको पूरे खेत खाली दिख रहे होंगे। और मम्मी और पापा नीचे गए हुए हैं उस वाले खेत पे, देखो वहाँ बैठे हुए हैं पेड़ की छाँव में आराम से। सुबह के 9 बजे ही बिल्कुल धूप सहन नहीं हो पा रही है, तो दिन आते आते तो हालत ख़राब हो जाएगी। उस वाले खेत पे अपना लहसुन हो रहा था, पूरा लहसुन सूख गया है क्योंकि बरसात हो नहीं रही थी। अब तो बरसात चाहिए भी नहीं, पिछले दिन शाम को हो गई, उस वजह से हमारे सारे गेहूँ सूख गए, वरना हमारा मड़ाई वाला काम कल से स्टार्ट हो जाता। गेहूँ भीगने की वजह से ना एक दिन काम पीछे चले गया। अपना पूरा लुक चेंज हो गया, पैंट शर्ट सब बदल दिया, सर पे देखो कैसी टोपी पन्नी वाली, जिससे कि गेहूँ सर पे ना आए। तो मम्मी और पापा भी मड़ाई कर रहे हैं, मैं भी करूँगा। और चाचा जी कैसे हैं आप? बढ़िया, मज़े में। तो गाइस चाचा जी का यूट्यूब चैनल चाचा ने ओपन कर लिया है, बहुत बहुत बधाई है आपको। आप लोगों को सब्सक्राइब करना चाचा का चैनल है ना चाचा? हाँ भाई, सर्च करो और सब्सक्राइब करो चाचा जी। भाई शॉर्ट वीडियो देखेंगे मज़ा आ जाएगा, फिर लॉन्ग वीडियो आएंगे है ना चाचा। इस तरीके से पकड़ना है इसको और सबसे पहले इसमें हल्की मारनी है जिससे कि टूटे ना, फिर ज़ोर से मारनी है। ऐसा काम करते करते ब्लॉग नहीं हो सकता, इसीलिए इसको रख देते हैं। ये देखो अभी छूट गया, दो हाथ से पकड़ना पड़ेगा। ना ना, जैसे पापा मार रहे हैं वैसे मारना बिल्कुल। तो चलो गाइस काम स्टार्ट, ब्लॉग बन। गाइस एक घंटे की मेहनत के बाद देखते हैं कितना हमने काम किया। ये से पूरा पानी पानी भर गया, पूरे ऐसे वाष्प भर गया जितना पसीना होता है ना। तो अरे यार मम्मी क्या कर रही है, इतना हमने साफ़ कर लिया। मम्मी पूरी हवा का यूज़ कर रही है, अभी बहुत तेज़ हवा चल रही है ना, तो मम्मी उसका बेनिफिट उठाने की कोशिश कर रही है। इसको पूरा हवा में उड़ाएगी जिससे क्या होगा, दाने अलग हो जाएंगे, ये पूरा साइड पर निकल जाएगा। और यहाँ पे मड़ाई करने के लिए एक बीट यहाँ पर रखी हुई है, एक यहाँ पर रखी हुई है, और जो गेहूँ है वो यहाँ पर हो गए। बाकी पापा जी बना रहे हैं दही और पानी, तो यहाँ पर हमने रख दिया गया जो इसका एक्स्ट्रा पाउडर था जिसको बोलते हैं नव, इस तरीके से अभी यहाँ पे रखा हुआ, बाद में इसका हम लोग लूटा लगाएंगे। अभी कुछ टाइम के लिए यहाँ पे रखा हुआ है ना, क्योंकि आसानी होगी हमारे पास जगह कम। तो ये गेहूँ आप देख रहे हो पूरी ऑर्गेनिक रूप से तैयार हुए हैं, इसमें कोई भी दवाई यूज नहीं कर रखी है। बस हाँ इसके बीच में थोड़ी बहुत दवाई लगाई थी जिससे कि ये काले ना पड़े, पर फिर भी हल्के फुल्के काले पड़ गए थे। मैंने आपको दिखाया जब इसकी कटाई करी ना, तो इसमें से कुछ तो छांट दिए थे, बचे कुछ बचे होंगे अभी। तो ये रहा दही पानी, काम करते करते इससे थोड़ी एनर्जी आएगी। नमूना सा लग रहा हूँ ना, मैंने इसके ऊपर बटन भी लगाया जिससे कि जो गेहूँ के दाने होंगे अंदर नहीं जाएंगे करके। पता है क्या ही लुक लग रहा है मेरा, ये तगड़ा वाला। पर
अभी लुक से ज़्यादा खुद का ध्यान रखना है। और ऐसे जो गेहूँ की धूल निकली है ना, वो पूरी नाक में चली जा रही है, उससे बार बार छींक आ रही है, बड़ा अजीब सा हो रहा है। ऐसे दिन के हो रहे हैं 1:30 और हम लोग घर पे आ गए। तो घर पे आके नहाना धोना और चेंज करना सब कुछ हो गया। तो मम्मी पापा तो अभी आ रहे हैं, मम्मी पापा नहाएंगे। और एक कलाई की पूरी वाट लग गई है इस वाली कलाई की अच्छी खासी तरह। तो आज थोड़ा मेहनत वाला काम किया काफ़ी समय के पश्चात। मम्मी मेरी बात सुन के हंस रही है। तो आज का काम हमारा ख़त्म हो गया। गेहूं की मड़ाई करने वाला, अभी इसको साफ़ करने वाला काम बचा हुआ है। अभी हवा देख लो, हवा पूरी चली हुई है। मम्मी ने इसका पूरा बेनिफिट उठाया। अभी तो मम्मी लोग साफ़ करते तो मैं थोड़ा पहले आ गया था ना। अभी कंप्लीट तो हो नहीं रखा है, शाम के टाइम फिर से जाएंगे। तो अभी अब खाना वाना खाते हैं, तो खाना बनाएगी मम्मी भी। दिन का खाना कंप्लीट करते हैं, फिर थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद जाएंगे। क्या हो रही है बच्चे, क्या कर रहा है तू, आज नीचे नहीं आया। हेलो डब्बू, क्या हाल है बच्चे। डब्बू थोड़ा कमज़ोर हो गया। क्योंकि क्या खा रहे हो तुम? दूध बात। अरे वाह, अभी को भरोसा नहीं हो रहा हमारे ऊपर कि हमें गेहूँ गेहूँ साफ़ कर दिए। ख़त्म हो गया यार कसम। गैस योगी आराम से अभी दूध और भात खा रहा है। तो इसको झोली भात पसंद नहीं है, यानी कि कड़ी चावल बनाया था आईजी ने। वैसे मेरे को भी नहीं पसंद है कड़ी चावल। मैं भी नहीं, इसको ये तो खाता है। अच्छा, ये खाता है। तो मेरे को बहुत कम पसंद है, छोटे वाले दागो बहुत कम पसंद है। घर में दो चार नमूने हैं हम जिनको खिचड़ी और झोली भात नहीं पसंद है। तो योगी कल गया था पलम के पेड़ में, पता देर ले क्या कमेंट आ रहे हैं, तेरे से बोल कच्चे पलम मत खाना, तेरे पेट हो जाएंगे खराब। पैंट में हौल है। हाँ, फिर सुराव में है यार, समझ रहा है। और तेरे पेड़ में से हिस्सेदारी मांगी जा रही है। हिस्सा देगा अपने पेड़ में से बता दो पहले। नहीं, जब कोई इधर आएगा। अच्छा, जब कोई आएगा तभी हिस्सा मिलेगा, वैसे नहीं मिलेगा। वहाँ कहाँ भेजू को मैं? अच्छा, कच्चे मिलेंगे। गाइस देख सकते हैं योगी का हिस्सा देने का मन बिल्कुल नहीं है। वहाँ केमिकल मिले रहता है। अच्छा, वहाँ केमिकल मिला रहता है। बाजार में यहाँ नहीं मिला, यहाँ बिल्कुल नहीं मिला रहता ना। सही बात, बढ़िया। देख लो गाइस, इतने छोटे से योगी कितनी ज्यादा अकल है। देखो, इसको सब कुछ पता है अभी से। वहाँ पैसे का मिलता है, यहाँ फ्री में। ये बात भी है सही, वहाँ पैसे का मिलता है फ्री का, यहाँ अपना पेड़ है वहाँ खरीदना पड़ता है ना। खाते हो तो आ जाओ, उठाओ और खाओ, उठाओ और खाओ। मम्मी जी ने दिन का खाना भी बना दिया, और खाने में अपनी फेवरेट वाली दाल और चावल, और साथ में टेस्ट बदलने के लिए माल्टा। तो ये पूरा मीठा होगा भाई, माल्टा आजकल तो मीठे हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये हम लोगों ने संभाल के रखे थे जनवरी के टाइम पे, पेड़ से उठा दिए थे चिड़ियाओं से बचाने के लिए। अभी तक देख लो बिल्कुल सेफ बचे हुए हैं, बिना किसी फ्रीज के। तो अभी इससे ना दाल के टेस्ट में बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। बताओ, पेटी में पैक करके भेज देंगे। देखो भाई, पापा जी क्या बोल रहे हैं, जिसको जरूरत है बता सकता है। और साथ में पापा सलाद के लिए प्याज कट कर रहे हैं। तो बढ़िया, इसका एक दाना इसमें गिर गया भाई, इसको निकालना पड़ेगा। गाइस, अभी शाम के लगभग 5:30 बज गए होंगे। मेरा फ़ोन तो पूरा डेड पड़ा हुआ है, आज लाइट ही नहीं है गाँव पे। लाइट पता नहीं क्या कर रही है आजकल, रोज़ चली जा रही है। उत्तराखंड पे जब से ना लाइट का बिल ज़्यादा महंगा हुआ ना, बिजली 7% महंगी हुई, तब से लाइट गई हुई जा रही गाँव की लगातार। और हमारी सरकार कह रही है हम 24 घंटे लाइट देते हैं, यहाँ तो बिल्कुल लाइट ही नहीं आ रही है। तो अभी मम्मी भाई पूरा इसको साफ़ कर रही है, इतना मम्मी ने साफ़ कर दिया पूरा हवा से। अगर हवा ना चले तो हमारा काम भी ना हो। हम लोग पंखा लेके आए थे, सोचा था थोड़ा कुछ करेंगे, पापा तार लाने की कोशिश कर रहे हैं, पर लाइट ही नहीं आ रही, क्या फ़ायदा। तो ये पूरा एक्स्ट्रा निकल गया, इसको पूरा तोड़ेंगे। वो वाला तो हम जानवरों खिलाएंगे पूरा, वो पूरा साइड ही हो गया। और ये निकल रहे हैं बीच पूरे हवा से। अभी अगर अच्छे से हवा चलेगी तो सही हो जाएगा। हवा भी पूरे गोल घुमा देगी। अभी इधर को चल रही है पूरा साइड को, ये पश्चिम दिशा है, पश्चिम से पूरा वो जा रही है, वहाँ से फिर ऐसे घूम जा रही है। और सामने वाली पहाड़ी पर इतनी सारी धुंध लगी हुई है ना, जंगल में आग लगा दी, जंगल में आग नहीं लगानी चाहिए। पक्षी कहाँ जाएंगे अब, बेचारे मर जाएंगे। गाइस, हाथों की हालत पूरी ख़राब हो रखी है। ये वाली कलाई इतनी दर्द कर रही है बहुत ज़्यादा, ऐसे मुड़ाने में भी, ये ऐसे मुट्ठी बंद करने में बहुत दर्द हो रहा है। तो अपने गेहूँ ये रहे, इतने गेहूँ यहाँ पर हैं और इतने ये हैं। तो इसकी हमने कल मड़ाई करनी है, वो आपको जो दिख रहे होंगे ना, यहाँ पर रखें, यहाँ पर रखें, और इतने सारे बस, बाकी तो ख़त्म हो गए, इतने गेहूँ बचे हमारे पास।
गाइस धूप पूरी जा चुकी है और अभी टाइम हो गया अपने जानवर को घर ले जाने का। और योगी क्या कर रहे हो तुम ये? अरे बाइक है, बाइक ये बाइक है। देखो गाइस योगी कितने शैतान है, आपको पता चल जाएगा। बकरे की पीठ में बैठ गया, गिरा देगा वो गिरा देगा, सच में गिरा देगा। अभी देख गिर गया भाई, सच में गिरा देगा। यहाँ पे आपको पूरा धुआं दिख रहा होगा, जंगल में फिर से आग लगी हुई है, हर दिन ही आग लगी रहती है और हमारे जानवर आगे चले गए। चलो भागते हैं। गाइस अभी आ गया हूँ अपने रूम पे, अब क्या करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, साथ अपने दोस्तों या परिवार के साथ शेयर कर देना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, जय देव भूमि, जय।